आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रदीप बत्रा के कैंप कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री को सुनने के लिए कैंप कार्यालय में भारी संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी अध्यक्ष सहित कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश की स्वच्छता, युवाओं को रोजगार, मुस्लिम महिलाओं को हज यात्रा पर जाने को लेकर देशवासियों को जानकारी दी। वहीं विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि देश पॉजिटिव इंडिया से प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 को बीजेपी पॉजिटिव इंडिया के रूप में मनाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आने वाले सभी त्योहारों की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। क्राइम स्टोरी के लिए रुड़की से निक्की जैदी की रिपोर्ट। सामूहिक रूप से जो है मन की बात कर रहे हैं, सभी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारीगण और सभी रूप के सम्मान नागरिकगण उपस्थित रहे। बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर रहा और सभी ने प्रधानमंत्री जी की बात को ध्यान से सुना और जो संकल्प उन्होंने दिलवाया, सभी ने उस संकल्प को यहाँ पर आज कार्यक्रम में लिया। प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा कि पॉजिटिव इंडिया से हम लोग प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ बढ़ेंगे। 2018 वर्ष हम लोग जो है पॉजिटिव इंडिया के रूप में मनाएंगे और स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएंगे और युवा जो हमारे 18 से 25 वर्ष के युवा हैं जो देश को एक न्यू इंडिया की पहचान देंगे, उनको आह्वान करना है और उनको आगे बढ़ाकर चलना है। तो प्रधानमंत्री ने जितने भी त्योहारों की शुभकामनाएं और देश के लिए आगे आने के लिए और 26 जनवरी की मकर संक्रांति की सभी त्योहारों की शुभकामनाएं दी,